CSS3 में अब टेक्स्ट के बारे में देख रहे हैं, टेक्स्ट तो CSS3 में बहुत सारे नए टेक्स्ट फीचर्स हैं। हम इसमें देखेंगे एक तो टेक्स्ट ओवरफ्लो है, और फिर उसके बाद है आपका वर्ड रैप, फिर उसके बाद है वर्ड ब्रेक। तो ब्राउजर सपोर्ट भी देखना पड़ेगा इसमें। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो क्या है, पहला वाला, ये टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ये स्पेसिफाई करता है कि कितना ज्यादा कंटेंट जो आपके पर्टिकुलर एरिया में या यूजर ने जो बताया है क्या उसे क्लिप करना है, क्या उसे आगे बढ़ाना है। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ ओवरवेल्म्ड कंटेंट दैट इज नॉट डिस्प्लेड शुड बी सिग्नल टू द यूजर। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास ये कॉन्टेंट है, ये एरिया है, और यहां पर मेरा टेक्स्ट इससे आगे बढ़ गया, ओवरवेल्म्ड मतलब इससे आगे बढ़ गया। अब मैं कैसे दिखाऊंगा उसको, या मैं काट दूंगा यहीं पे, या डॉट 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 करके मोर करके दिखा दूंगा। तो वो जो चीज है वो टेक्स्ट ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी में आती है। मैं इसको जरा समझाता हूं आपको कि कैसे हुआ है। इसके लिए क्या करते हैं, सीधा कोड पे जाते हैं, और कोड पे मैं आपको बताता हूं कि एक बार टेक्स्ट ओवरफ्लो दो तरीके से हो सकता है। एक में इलिप्सिस मतलब ये होता है कि लास्ट में डॉट डॉट डॉट, इलिप्सिस का मतलब होता है, इलिप्सिस बता देता हूं मैं आपको, इलिप्सिस जैसे कहते हैं ना, यू आर डॉट 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 ऐसे करके ना, तो जो डॉट 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 है वो आपका इलिप्सिस होता है। तो मैं अभी दो तरीके बताऊंगा आपको, एक क्लिप वाला और इलिप्सिस वाला, कैसे टेक्स्ट ओवरफ्लो को कैटर किया जाता है। तो लास्ट टाइम हमने शेडोज वगैरह की बात की थी, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ऑलरेडी ये पी वगैरह बना हुआ है, डिप वगैरह हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, और एक पी ये बना हुआ है, एक और पी ले लेते हैं, बस दो पी से हमारा काम बन जाएगा आज। एक में मैं आपको टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप से दिखा देता हूं, एक में मैं टेक्स्ट ओवरफ्लो आपको लिप्सिस से दिखा देता हूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक यहां पर टेक्स्ट एक क्लास ले लेते हैं, इसकी पी का क्लास ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं इसकी, मान लीजिए डबल कोट्स में ले लेते हैं txt1, और एक और क्लास ले लेते हैं नीचे वाले के लिए, ये आपका हो गया, ये कोई भी लॉन्ग टेक्स्ट ले लेते हैं, यही टेक्स्ट रहने देते हैं, ठीक है, ये कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। और यहां पर हम क्या करते हैं, यही टेक्स्ट यहां पर डाल देते हैं, यही टेक्स्ट यहां डालेंगे, और यहां पर इसको भी एक, इसको आप कह देते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो कर देते हैं अभी फिलहाल ओवरफ्लो। यहां पर हम एक क्लास और बना लेंगे, उसी क्लास से हम इसकी स्टाइलिंग देंगे। तो यहां पर आपका टेक्स्ट हो गया ना, ओके, ये टेक्स्ट हो गया, एक टेक्स्ट वन है एक टेक्स्ट टू है, तो इनको हम दिखाएंगे। अब देखिएगा ये ना जगह से बाहर जाएंगी, ये जो टेक्स्ट है ये ज्यादा है और हमारे पास जगह कम होगी, तो वो कैसे दिखाई देंगे। पहली बार में हम यहां पर दिखाएंगे इसको क्लिप करके, यहां क्लिप लिख देता हूं, और दूसरी बार हम यहां पर दिखाएंगे आपका एलिप्सिस डॉट 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 करके, तो यहां एलिप्सिस लिख देता हूं, एलिप्सिस। अब यहां पर आते हैं अपने, इसमें हमने क्या किया, एक इस जगह पर कर देते हैं पी डॉट, इसे बढ़ा देते हैं, एक देखिए, एक तो ये पी डॉट txt1 है, एक पी डॉट txt2 है, तो मैं इसको करता हूं पी, एक तो पी डॉट txt1 हो गया, txt1 पैराग्राफ जिसकी क्लास टेक्स्ट है और txt1 है। इसमें क्या करेंगे हम, यहां पर दे देते हैं एक तो सबसे पहले है व्हाइट स्पेस, इसमें नो रैप करते हैं, व्हाइट स्पेस मतलब वो भी वो चीजें जैसे टैब है, एंटर है, ये सब चीजें, तो व्हाइट और स्पेस इसमें हम कर देते हैं नो रैप, जब ये आए तो रैपिंग ना हो, नो रैप। विड्थ इसकी कुछ दे देते हैं, इसकी विड्थ दे देते हैं करीबन, थोड़ा छोटा रखेंगे 200 px, इसका बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि आपको दिख जाए कि बॉर्डर के बाहर जा रहा है वो, ओके, तो बॉर्डर दे देते हैं इसके BORDR, बॉर्डर कितना देंगे, मान लीजिए 1 px दे देते हैं, 1 px सॉलिड दे देते हैं, और इसका कोई कलर वगैरह भी दे देते हैं, ब्लैक दे देते हैं इसको, तो हैश करके 0000000, ओके। अब ओवरफ्लो को हिडन कर देते हैं, ओवरफ्लो
ये जो ओवरफ्लो हो रहा है ना, ये मेन चीज है। उस ओवरफ्लो के लिए हम टेक्स्ट ओवरफ्लो में क्लिप या लिप्सिस करेंगे। तो यहां पर हम कर देते हैं हिडन। ओके, ये वाला हो गया। अब टेक्स्ट ओवरफ्लो असली चीज यहां आ रही है, ये सबको मैं हटा देता हूं अभी, इन सबको कोई जरूरत नहीं है। आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो आ रहा है, जो चीज सीख रहे हैं वही है अभी, ये जो चीज सीख रहे हैं वही बता रहा हूं। टेक्स्ट ओवरफ्लो और इसके आगे लिख दीजिए क्लिप। अब ये क्लिप हो जाएगा, देखिएगा आप कैसे, वो काट देगा, मतलब आपको भी दिखाई नहीं देगा, काट देगा। ऐसी में अगले इसमें जो दूसरा पैराग्राफ लिया है वहां के कंटेंट के लिए आप txt2 कर देता हूं, बाकी सब रहने दीजिए सेम। लेकिन यहां पर इसकी जगह लिख दीजिए इलिप्सिस, ये जो हमने यहां लिखा था ना इलिप्सिस, ये यहीं पे लिख दीजिए इलिप्सिस। इलिप्सिस मतलब तीन डॉट, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे आप, ई स्मॉल होगा इलिप्सिस, ELLIPSIS। तो अभी देखते हैं इसको चला के, कंट्रोल एस करते हैं यहां पर करें, और सेमीकॉलन वगैरह मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसको रन करा देता हूं मैं, कंट्रोल और कंट्रोल एस पहले, सेव और फिर रन। अभी देखिए जो टेक्स्ट है यहां पर ये काट गया, इसकी क्लिपिंग हो गई, और यहां पर एलिप्सिस मतलब तीन डॉट दे दिए गए। आप समझिए कैसे टेक्स्ट जो आपकी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है किस तरीके से वो क्लिप करती है, किस तरीके से वो आपकी एक एलिप्सिस दिखाती है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इसके ऊपर होवर करें, जैसे मान लीजिए मैं इसके ऊपर माउस ला रहा हूं तो कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि इसके ऊपर जब मैं माउस लेके आऊं तो मुझे कॉन्टेंट दिखाई दे। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए मैं डिव टेस्ट के लिए एक और प्रॉपर्टी लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से। मैं यहां पर लिखता हूं डिव, ये पी, ये पी के लिए भी लिख सकता हूं और इसके भी लिए लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं यहां पर पी डॉट टेक्स्ट के लिए एक पी डॉट टेस्ट, इसी पी डॉट टी टेक्स्ट के लिए पी डॉट, ये इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं पहले क्योंकि हम होवर के लिए लिख रहे हैं। ये पी डॉट टी एक्स टी वन के लिए मैं यहां पर कोलन देके करूंगा कि होवर, जब हम उसके ऊपर माउस ले जाएंगे तब क्या होगा, माउस इधर उधर ले जाएंगे तब क्या होगा। तो इसमें टेक्स्ट ओवरफ्लो में हमको देना पड़ेगा, क्या देंगे टेक्स्ट ओवरफ्लो में, ये मैं हटा देता हूं सर। इसे दो प्रॉपर्टी रखते हैं, एक तो टेक्स्ट ओवरफ्लो में ये ऊपर आएगी, है ना, ध्यान दीजिएगा ये पहले आएगी, इसीलिए इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं, सबसे ऊपर वाले की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। टेक्स्ट ओवरफ्लो को हम करेंगे इनहेरिट और ओवरफ्लो को हम विजिबल कर देंगे, हिडन नहीं विजिबल। जहां पर कंटेंट कट गया था, क्लिप हो गया था, एलिप्सिस दिख रही थी, उसके आगे कंटेंट ही दिखा था ना, लेकिन हमने कहा होवर पे आप वो सारा कंटेंट दिखा दीजिए, टेक्स्ट ओवरफ्लो को इनहेरिट करके वो दिखा दे। तो आप देखिएगा जैसे मैं इसमें ये लेके जाऊंगा माउस इस कंटेंट पे, इस वाले txt1 पे, मुझे पूरा कंटेंट दिख जाएगा। चला के दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए माउस इस पे ले गया, यहां कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन माउस इस पे ले गया तो ये कंटेंट दिख रहा है, देख लीजिए यहां पर ये कंटेंट दिख रहा है। अगर इसकी स्टाइलिंग देते ना तो और आपको सुंदर, मतलब ग्रीन ब्लू में दिख जाता वो। बल्कि एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जो ये स्टाइलिंग है, मान लीजिए आपने क्लास टेस्ट 1 लिखा, क्लास टेस्ट 2 लिखा, उसकी स्टाइलिंग आप टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस उसके अंदर इनलाइन भी दे सकते हैं, यहां पर भी दे सकते हैं, इस जगह पे यहां पर आके स्टाइल करके आप टेक्स्ट ओवरफ्लो कोलन एलिप्सिस दे सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद वर्ड रैपिंग, जो CSS3 वर्ड रैप प्रॉपर्टी है वो, जैसे आपने वर्ड में, अपने वर्ड में नहीं, मैं नोटपैड वगैरह में वर्ड रैप प्रॉपर्टी देखी होगी, नोटपैड प्लस प्लस में, इसमें भी वर्ड रैप प्रॉपर्टी है। वर्ड रैप प्रॉपर्टी क्या करती है, कुछ अंदाजा है आपको कि क्या करती है? जो वर्ड रैप प्रॉपर्टी है वो रैप कर देती है, जिस तरीके से ये देखिए वर्ड रैप प्रॉपर्टी ना, ये देखिए जैसे यहां पर खत्म होगा ना तो वो आगे नहीं बढ़ाएगी, वो नीचे की तरफ ले आएगी। जैसे मान लीजिए ये लाइन बहुत बड़ी है, इससे आगे निकल रही है टेक्स्ट एडिटर से, तो नीचे ले आए। तो जो टेक्स्ट CSS3 की वर्ड रैप प्रॉपर्टी है वो ये अलाउ करती है कि जो अगर लॉन्ग वर्ड्स हैं, बड़े वर्ड्स हैं, वो ब्रेक हो जाए और रैप हो जाए, नए नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अगर वर्ड बहुत बड़ा है तो वो आगे बढ़ जाएगा, यू नो, एक समझिएगा, अगर वर्ड बहुत बड़ा है, मैं इधर में समझाता हूं आपको, अगर वर्ड बहुत बड़ा है, जैसे बी है, ये बी यहां पर आ रहा है ना, तो वर्ड रैप का मतलब ये है कि अब ये आधा इधर पे, आधा न इधर का है या न उधर का है, ये जो बी है, बी जो देख रहे हैं
अंदर एक डब्बे के अंदर आ रहा है, ई बाहर जा रहा है, तो ना इधर का हुआ ना इधर उधर का हुआ। तो ये वर्ड रैप का मतलब ये कि बी जो है नीचे आ जाए, हम वर्ड रैपिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो जो वर्ड रैप प्रॉपर्टी है वो फोर्स करती है कि जो टेक्स्ट इस तरीके से होगा वो स्प्लिट हो जाएगा बीच में, या तो स्प्लिट हो जाए या फिर पूरा का पूरा नीचे आ जाए। उसका मैं कोड लिख के बताता हूं आपको, समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको हम ब्रेक कर सके और रैप कर सके उसको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में। ये कैसे होगा देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसी में हम करेंगे। तो ये पी टेक्स्ट, जो पी टेक्स्ट वन है, अब इसमें ये सब हटा दीजिए। हाँ, वर्ड रैप है इसमें, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है वर्ड रैप, तो इसको हटाइए। केवल इसमें आप बॉर्डर प्रॉपर्टी रखिए, बाकी मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। विड्थ जो है उसकी 11 ईएम दे दीजिए। ये अलग अलग विड्थ देने के तरीके हैं पीएक्स में, ईएम में और नंबर्स में। तो ये हो गया बॉर्डर आपका वन पेज सॉलिड, ये रहने दीजिए। अब इसमें एक प्रॉपर्टी जोड़िए जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हटा दीजिए। एक प्रॉपर्टी जो है जिसे मैं कह रहा हूं वो है वर्ड रैप। क्या नाम है? वर्ड रैप, डब्ल्यू आर ए पी। वर्ड रैप को क्या कर दीजिए, ब्रेक वर्ड। जो वर्ड है वो टूट के आधा ऊपर रह जाएगा आधा नीचे आ जाएगा, मतलब नए लाइन से शुरू होगा, ये ब्रेक वर्ड हो गया। अब इसमें कोई भी अब कंटेंट जैसे बी है ना, इस ये बी पे कट रहा है, आपने देखा था अभी ना, बी पे कट रहा है, बी ई आई एन जी कर दीजिए, बींग कर दीजिए, थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए इसको। अब इसको देखिएगा क्या होता है। तो हमने बींग किया ना इसको, ये बींग पे नहीं कटेगा देखिएगा, ये यहीं पे टूट जाएगा ये, क्योंकि हमने इसका विड्थ थोड़ी 11 ईएम कर दी, यहीं पे टूट जाएगा ये और फिर नीचे आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूं, इसको रन कराता हूं आपके क्रोम में। अब देखिएगा कैसे डब्बे के अंदर आ जाएगा सारा सारा, देखा आपने, सारा का सारा डब्बे के अंदर आ गया। इसे ही हम कह रहे हैं कि वर्ड, जो वर्ड रैपिंग फीचर है वो आपने देखा डब्बे के अंदर आ गया। और आप वर्ड ब्रेकिंग, जो वर्ड ब्रेक मैंने कहा वो स्पेसिफाई करती है कि जो लाइन ब्रेकिंग रूल्स, यानी वर्ड ब्रेक मैं कहूंगा कीप ऑल तो कुछ होगा, वर्ड ब्रेक कहूंगा मैं ब्रेक ऑल तो कुछ होगा। ओके, मैं ये करके बताता हूं आपको कि इसमें ब्रेक ऑल में क्या होगा और कीप ऑल में क्या होगा। मैं यहां पर, मेरे पास टीएक्सी वन है, मैंने इसमें क्या किया था अभी, विड्थ मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। जो भी आप कॉन्टेंट दे रहे हैं वो आपके ऊपर है, जैसे 11 ईएम आपने दिया हुआ है, इसमें वर्ड ब्रेक में मैं, ये वर्ड रैप नहीं है, वर्ड ब्रेक में, वर्ड कैसे ब्रेक होगा, वर्ड ब्रेक में मैं इसको लिख देता हूं कीप ऑल, कीप और ऑल। और इसमें जो अगला है, जो दूसरा वाला है, उसमें देखते हैं क्या है, क्योंकि उसमें कंटेंट तो सेम है ही। तो एक बार मैं इसको कीप ऑल करके बताता हूं आपको, और ये वाले को एक काम करते हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ये सब इसके ओवर कम देख, हमने देख लिया, इसको भी हटा देता हूं मैं। अब मैं इसको टीएक्सटी टू के लिए लेता हूं, पीटीएक्सटी वाला है ना, इसको लेट अस टेक फॉर टीएक्सटी टू। और ये टीएक्सटी टू के लिए क्या होगा, इसके भी ये सब रखिए, और यहां पर ब्रेक कीप ऑल था, एक इसको ब्रेक ऑल कर दीजिए, बियर एक ब्रेक। तो जो यहां पर पहले वाले में क्या होगा, पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट है, ये लाइन ब्रेक करेगी हाइफन लेके, आप इसमें डैश साइन देखेंगे, और यहां पर क्या होगा ब्रेक ऑल, ये पैराग्राफ में भी आपके सब टेक्स्ट है, और जो लाइंस होगी वो किसी भी कैरेक्टर पे ब्रेक हो जाएगी। यहां पर आपको हाइफन दिखाई देगा ब्रेक होते हुए, या किसी भी कैरेक्टर पे ब्रेक हो जाएगी। देखिए इसमें रन करा के देखते हैं, नहीं तो फिर हम वर्ड ऐड करेंगे उसमें। अब ये देखें कि जब यहां पर ये ब्रेक हुआ, एक जगह हमने यहां पर हाइफन से ब्रेक कराया है ना, और एक जगह हाइफन नहीं है, एक बार सीधा उसने, अगर यहां पर कॉन्टेंट नहीं दिख रहा वो नीचे लिया, और अगर कोई कैरेक्टर भी होता तो कैरेक्टर भी तोड़ देता, राइट। अगर आप कॉन्टेंट बड़ा लिखेंगे तो आपको दिखाई दिख जाएगा। मैं बस ये समझा दूं आपको कि कीप ऑल, ये जो कीप ऑल का मतलब हमारा ये होता है कि जो लाइन ब्रेक होगी हाइफन्स दिखेंगे उसमें, और ब्रेक ऑल में जो लाइन ब्रेक होगी तो कोई भी कैरेक्टर ब्रेक हो सकता है। तो ये अभी हमने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टेक्स्ट ही, आगे हम ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी हम सभी की।